हाई एवरी वन एंड वेलकम टू डू कैप्टन। सो यार, अगर आप अपने बोर्ड्स के साथ आई पी मैट इंदौर की प्रिपरेशन जो है वो मैनेज करने का सोच रहे हो, या फिर आपको थोड़ा सा ये लगता है कि यार मैं एक दो दिन पढ़ के भी अगर देख लेता हूँ ना, तो मुझसे या तो बोर्ड का ही पढ़ा जाता है या तो मेरे एंट्रेंस का ही पढ़ा जाता है, वही मेरा दोस्त जो है वो दोनों चीज़ें मैनेज कर लेता है, पता नहीं कैसे कर लेता है। मैं जिस कोचिंग के अंदर जा रहा हूँ वो तो पता नहीं क्या ही करा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा एंट्रेंसेस का। तो मेरे भाई, ये सारी कन्फ्यूजन अगर आप लोगों की चल रही है ना, तो मैं आज आपके सामने आई पी मैट इंदौर का प्रॉपर पूरा निचोड़ आपकी झोली में देने वाला हूँ। आई पी मैट इंदौर की एक ये इकलौती ऐसी वीडियो होगी जिसके अंदर आई पी मैट का जो एग्ज़ाम एनालिसिस है, पैटर्न है, कैसे बोर्ड के साथ दोनों चीज़ों को मैनेज करना है, बोर्ड के साथ अपना एंट्रेंस कैसे मैनेज करना है, पूरी जो है पोल खोल दूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सी जगह पे देखा है ये बात, मैंने पर्सनली देखा, और मुझे ये बात बहुत दुखती है कि जब आप किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको जो मेंटोर्स मिले हैं वो इस तरीके से मिले हुए हैं कि वो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, किसी दुनिया में, किसी दूसरी दुनिया में ही लेके चला रहे हैं। आपको वो चैप्टर्स करा रहे हैं जिनकी वेटेज ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, जिनसे क्वेश्चन आई पी मैट इंदौर ने कभी बनाया ही नहीं है, पता नहीं वो आपको पहले क्यों करा रहे हैं, और उनके ऊपर जो है आपको महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीना उन चैप्टर्स के ऊपर मेहनत करा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को अगर मैं कंक्लूड करके देखता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, पैसा। क्योंकि पैसा मिल रहा है, वो तो आप लोगों से मोटी फी एक बार सबमिट करवाते हैं, उन्हें तो चीज़ें खींचनी है, आपके ऊपर फालतू का बर्डन आता है। तो मेरे भाई, कौन से ऐसे चैप्टर से कैसे स्मार्टली आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो बहुत कायदे से मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। एक चीज़ बोलूँगा आगे बढ़ने से पहले, पेन एंड पेपर लेके बैठना, नोट्स बना लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये जो शीट मैं खोल रहा हूँ ना, इसका लिंक मैं डलवा रहा हूँ, पूरी वीडियो देखने के बाद उसका एक्सेस लेना और इसको PDF डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करोगे, यहाँ पे आ जाना और डाउनलोड एज आ PDF कर लेना, आपको एक्सेल शीट PDF डाउनलोड मिल जाएगी। दो शीट है, एक एनालिसिस और दूसरा सिलेबस, दोनों की बात करूँगा बहुत कायदे से। सबसे पहले आई पी मैट इंदौर का 2024 के लिए ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्या पैटर्न रहेगा। तो मेरे भाई, पिछले 2 साल से आई पी मैट जो पैटर्न आपका ले रहा है, आपके 3 सेक्शंस इसके अंदर आते हैं, इंग्लिश शॉर्ट आंसर्स और आपका MCQ, शॉर्ट आपके क्वांट के जो है शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं और आपका MCQ भी आता है। इंग्लिश के आपके 45 questions, आपके क्वांट शॉर्ट आंसर्स के 15 questions और आपके क्वांट MCQ के 30 questions। इस साल भी 99.999% श्योरिटी है कि आपका इसी पैटर्न पे जो है आई पी मैट इंदौर एग्ज़ाम लेगा। बट अगैन, आई पी मैट इंदौर एंड मूवमेंट पे भी चीज़ें जो है बदल देता है, तो 0.001% जो है अपनी ये दिमाग में रखना कि जो आपका 400 नंबर वाला पैटर्न है उस पे भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, बट हाई चांसेस इसके। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, पूरा पेपर 360 मार्क्स का होगा, आपको जो क्वेश्चंस हैं तीनों सेक्शन के 90 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टाइम दोनों का, तीनों सेक्शंस के लिए 2 घंटे मिलेगा, जिसके अंदर सेक्शनल टाइम 40-40 मिनट की होगी। 40 मिनट के लिए एक सेक्शन आपका खुलेगा, फिर उसके बाद वो सेक्शन बंद होगा, फिर दूसरा खुलेगा, ठीक है। आप इंटर मतलब सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, 40 मिनट के लिए कोई एक ही सेक्शन खुलकर आएगा, आप उसके ऊपर काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी गेनिंग अगर मैं बात करूँ, तो एक क्वेश्चन ठीक करने पे आपके 4 नंबर आपको मिलते हैं, वहीं गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग 1 की होती है, बट शॉर्ट आंसर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसी के साथ जो ऑफिशियल पेपर आई वी मैट इंदौर ने अभी तक के दिए हुए 2019, 2020 और 2021 के दिए हुए, 2022 और 2023 का अवेलेबल ऑफिशियल वैसा तो नहीं है, बट मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्दी, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपको अगर वो पेपर डाउनलोड करने हो, 2019 का अगर डाउनलोड करना हो, तो यस, 2019 का आप सीधा इस लिंक पे चले जाना, ये लिंक खुल के जो आपके सामने 2019 का आई पी मैट इंदौर का ऑफिशियल पेपर जो है सामने आ जाएगा। इन पेपर्स के प्रिंट आउट निकलवा के आपको रखना है साथ में, तभी आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। बात आ रही समझ में? इससे यहाँ पे एग्ज़ाम एनालिसिस पे लेने से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो बाकी के कोचिंग सेंटर्स करते हैं, वो हायर मैथ्स के नाम पे आपको डर फैलाते बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे ग्रीन के अंदर मार्क किए ना, वो ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे आई पी मैट इंदौर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। और जो रेड के अंदर मार्क्ड है, वो चैप्टर्स है जहाँ से वो बनाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाता। और जो बाकी के हैं उनके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, आप ये समझ लेना, ऑलमोस्ट ना के बराबर। मतलब कि मैं पर्सनली बताऊँ ना, मैंने बच्चों को आई पी मैट के नाम पे, आई पी मैट इंदौर की प्रिपरेशन के नाम पे महीना महीना क्लासेस के अंदर इंटीग्रेशन चलते हुए देखा है, और मुझे बहुत शर्म आती है ये चीज़ देख के भी, और बहुत
अफसोस होता है कि कोई लोग पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकता है कि वो एग्ज़ाम को पढ़ते ही नहीं है पहले। तो मेरे भाई इंटीग्रेशन से उतने क्वेश्चंस नहीं आते आपके, जब ये लॉगरिथम, रिलेशन एंड फंक्शन, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वेक्टर थ्री डी, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स जब आपके कंठस्थ हो जाए ना, बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद आप किसी और चैप्टर की तरफ जाना, और उसका भी बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो बात बन जाएगी। बट आईपीमैट इंदौर थोड़ा सा स्मार्ट पेपर है, वो क्या करता है, क्वांट के कोई चैप्टर हो गए, मॉडर्न मैथ का कोई चैप्टर हो गया, उनके कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, या फिर क्वांट के दो चैप्टर्स के मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाता है, ये वो इस तरीके का है। तो आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन के अंदर लगनी चाहिए कि किस टेस्ट के साथ जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप रिलेवेंट चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, बात है समझ में। उसी के साथ अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो हर एक चैप्टर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे नहीं आती, बस आपका डीआई का सेट बनता है, ये डीआई 5 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट बनता है, या आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है, वो आपका क्वांट वाले सेक्शन के अंदर ही आता है। वर्बल एबिलिटी के अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी मेंशन है सब पढ़ना है आपको, बहुत कायदे से थोरो पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस आपकी नहीं आती, तो जो रेड के अंदर मार्क्ड है वो नहीं करना है आपको, लोग उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर का जो प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है लिंक के अंदर, आप अगर ये वीडियो देखोगे यहाँ पे आप सीधा जो है एग्जाम एनालिसिस 2023 पे पहुँच जाओगे, प्रॉपर 2023 के अंदर किस स्टेज से कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो जो है आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत आराम से बताया हुआ है। अब उसके बाद आगे आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्वांट की तरफ लेके चलता हूँ मेरे भाई। यहाँ पे 2019 से लेकर 2023 तक यहाँ पे आईपीमैट इंदौर ने जितने जितने क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर चैप्टर से बनाए हैं वो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया। इसका पीडीएफ फॉर्मेट ज़रूर निकाल लेना, इसको सामने ज़रूर रख लेना। उन चैप्टर्स के ऊपर एनर्जी बिल्कुल मत लगाओ जहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सेट पैटर्न है। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा आपका सब्जेक्ट इसके अंदर निकल के आता है जो कि आपको हर एक चैप्टर को बहुत थॉरली, बहुत तसल्ली से, बहुत कायदे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो दो चैप्टर से जो है मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी अगर आप चाहते हो कि एक रूफ के अंदर, एक छत के अंदर आपको सारे ही चैप्टर्स आपके आईपीमैट इंदौर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा दिए जाए, तो मेरे भाई ज़रा ना आप गूगल पे आ जाना एक बार, ठीक है, और गूगल पे लिखना study.educaptain.in। यहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद आप हमारे एम्बिशन बैच का पार्ट बन सकते हो। लास्ट ईयर 14 बच्चे आईपीमैट इंदौर के अंदर शॉर्टलिस्ट करवाए हैं, तो यस वी नो बेटर कि किस तरीके से जो है आपको आईपीमैट इंदौर के लिए प्रिपेयर कराना है। आप अगर उन चैप्टर्स के ऊपर लगे रहोगे ना जहाँ पे आपको एनर्जी डालनी ही नहीं है, तो अपने बोर्ड्स के अंदर फोकस नहीं कर पाओगे। और मैं आपको एक बात यहाँ पे कायदे से बता दूँ, आईपीमैट इंदौर एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके क्लास 12th के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपका कितना स्कोर है, आपकी रैंक भी उसी हिसाब से बनती है। तो मेरे भाई एम्बिशन बैच के अंदर आपको बेस्ट मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर मॉक टेस्ट बनाया होता है, वो आपको डिलीवर करते हैं, बुक सेट आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो मेरे भाई आप एम्बिशन बैच का पार्ट बन सकते हो, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो हैं आपको पढ़ा रही हैं। बैच के अंदर रिकॉर्डेड और लाइव दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्लासेस हमारी चल रही होती है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली एक टाइम टेबल आपको दिया जाता है कि कौन से दिन, कौन से महीने के अंदर कितने कितने चैप्टर्स आपको निपटाने, जो कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाए। तो एम्बिशन बैच का पार्ट अगर आप बनना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के ऊपर बैच की इंफॉर्मेशन ले लो। मैं आपको वादा करता हूँ जितने लोग आपको अपने पेड कोर्सेज के अंदर जितने वीडियोस नहीं देते उससे ज़्यादा हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए डेमो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, और इस बैच के अंदर हम आपको 5 days मनी बैक गारंटी जो है वो ऑफर करते हैं। भाई कॉन्टेंट पर इतना भरोसा है, हमारी टीम की मेहनत पर इतना भरोसा है, 5 days मनी बैक गारंटी आपको ऑफर की जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप बैच के अंदर इनरोल्ड हो और आपको कहीं से भी वाइब नहीं आ रही, अभी फैकल्टी के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो विदिन 5 days आप अपना पैसा जो है वो वापस ले सकते हो। तो यस अगेन बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कायदे से सारी चीज़ें अरेंज कर रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि भाई इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से पिछले बीच में 2 सालों से क्वेश्चन नहीं बने,
ठीक है, बट 2022 के अंदर दो क्वेश्चन बन गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्क पाइप एंड सिस्टम से, तो कभी एक आता है कभी नहीं आता, तो इनको थोड़ी सी वेटेज थोड़ी सी कम दे दो, पहले उन चैप्टर्स को कर लो जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो आपके आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा। अब यहाँ पे मैंने देखा कि IPMAT इंदौर की बच्चा जब प्रिपरेशन शुरू करता है तो वो ग्रामर के अंदर ही बहुत ज़्यादा उलझा रह जाता है। मेरे भाई ग्रामर आपको करनी है, आप अगर ग्रामर देखोगे तो आपके ग्रामर के लगभग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, आप पैटर्न अगर देखोगे ना तो 6 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी बने ही नहीं है, ठीक है, बात है समझ में। तो ग्रामर पे एरर स्पॉटिंग पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, करना है मैं मना नहीं करूँगा बट उतना नहीं करना है जितना कि आपको आपके देखो पैरा कंप्लीशन, क्रिटिकल थिंकिंग पे, वोकैबलरी पे, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 12 क्वेश्चन, आप ये देखो ना पैटर्न मेरे भाई, हर साल कितने रज के क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। तो पैरा जंबल जो आपकी टीटा वाली क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रिपेयर करना है, पैरा कंप्लीशन प्रिपेयर करना है, आपको वोकैबलरी प्रिपेयर करनी है, ठीक है, देन उसके बाद आपको इडियम एंड फ्रेजेस प्रिपेयर करना है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग प्रिपेयर करनी है, ये टॉपिक्स वर्बल एबिलिटी के अंदर है। और अगर आप कट ऑफ उठा के देखोगे तो कट ऑफ्स के अंदर भाई वर्बल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट अब बन चुका है जिसकी कट ऑफ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो आपको ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर कमांड आपकी बनानी ही पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, आप इररिलेवेंसी की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हो, तो उस इररिलेवेंसी से थोड़ा बचो, तभी दोनों चीज़ें जो है मैनेज हो पाएगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ऐसी ही वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। जाते जाते एक बात बोलूँगा, अगर बेस्ट और ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए हो ना तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना बाकी का तमाशा तो बाकी दुनिया लोग ये लोग कर ही रहे हैं, बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये लोग तमाशा कर ही रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।